गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग। मोस्ट वेलकम द मॉडर्न वे टू स्टडी। मेरा नाम मकसूद अहमद। आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है क्यूब। क्यूब क्या होता है, लाइफ में क्या यूज़ है, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में नहीं, इस वीडियो में हम सिर्फ ये समझेंगे कि क्यूब क्या है, कैसे निकालते हैं, क्यूब का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। ऐसा शेप होता है क्यूब का, यहाँ थोड़ा सा मैंने दिखा रखा है। एक्चुअल में जो मीनिंग होता है वो मैं इसका बताऊंगा डिटेल में अपनी आने वाली वीडियो के अंदर, आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने स्क्वायर के बारे में बताया रखा है ऑलरेडी, तो ऐसे ही हमें क्यूब के बारे में मैं बता दूंगा। तो फिलहाल के लिए हम समझते हैं कि क्यूब क्या होता है और कैसे क्यूब निकालते हैं। क्यूब बेसिकली एक शेप होता है जिसे हिंदी में बोलते हैं घन, और वो कुछ इस टाइप का दिखता है, एक बॉक्स जैसा। और बेसिकली जो पावर थ्री होती है, अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर थ्री लग जाए, जैसे फाइव के ऊपर मैं पावर थ्री लगा देता हूँ, तो ये हमारा क्यूब बन जाता है, फाइव का क्यूब। ठीक है, फाइव का क्यूब बन जाता है। फाइव का क्यूब क्या होता है, 125। फाइव का जो क्यूब होता है वो 125 होता है। तो फाइव के ऊपर पावर थ्री का मतलब क्या है, फाइव के ऊपर पावर थ्री का मतलब ये है, हम फाइव को तीन बार लिखेंगे, थ्री टाइम्स, और सबके बीच में मल्टीप्लाई लगा देंगे। 5 5 25 25 5 125। एक्चुअल में ये मतलब होता है फिलहाल के लिए पावर थ्री का या क्यूब का। तीन बार लिख देते हैं, ये आ जाता है। तो 25 125 क्या आया है, 125 इस क्यूब का वॉल्यूम है, 125 इस क्यूब का वॉल्यूम है। और 5 5 5 जो है, ये तीन डायरेक्शन या डायमेंशन में ली गई मेजरमेंट है इस क्यूब की, तीन डायमेंशन में ली गई मेजरमेंट। 5 5 5 स्क्वायर में क्या था, दो डायमेंशन में ली गई मेजरमेंट, इसमें थी थ्री डायमेंशन में ली गई मेजरमेंट। किसमें, एक तो ये है इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई, और ये है इसकी ऊंचाई, यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, क्यूब के अंदर तीन चीजें होती है, हाइट भी आ जाती है, इंक्लूड होती है क्यूब के अंदर। तो क्यूब को हम पावर थ्री से रिप्रेजेंट करते हैं, पावर थ्री को हम पावर थ्री भी बोल सकते हैं और क्यूब भी बोल सकते हैं, क्यूब इसका स्पेसिफिक नेम हो जाता है अलग से दिया हुआ। ऐसे ही पावर टू को हम स्क्वायर बोलते हैं। ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है, ज्यादा डिटेल भी नहीं है, इसके अंदर ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाने वाले। बस ये समझ लीजिए, किसी भी नंबर्स को ऊपर पावर थ्री लिखिए, उसका मतलब है उसको आप तीन बार लिखिए और तीनों बार मल्टीप्लाई कर दीजिए उसी से ही। ऐसे ही यहाँ फाइव की जगह कुछ भी नंबर हो सकता है, एक्स की पावर थ्री हो सकता है, तो आप एक्स को थ्री टाइम्स लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो ऐसे ही निकल के आ जाएगा। डिपेंड करता है कि एक्स की वैल्यू क्या है, डिपेंड करता है एक्स की वैल्यू क्या होगा। अब ऐसे ही हम एक जो फॉर्मूला इसके अंदर कवर करने वाले हैं, जो हम कल देखेंगे कि क्या मतलब है एक्चुअल में, वो है ए प्लस बी का क्यूब। और पिछले वाले में स्क्वायर मैंने आपको समझाया था, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है वो मैंने आपको समझाया था, बताया था और बना के भी दिखाया था डायग्राम में। तो ऐसे ही अब हम जो समझेंगे वो होगा ए प्लस बी का होल का क्यूब। क्यूब को हम, इस शेप को हम क्यूब बोलते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं था इसके अंदर। कल अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, जो कि थोड़ी लंबी वीडियो होने वाली है। ये हमारा क्यूब निकल के आया है, फाइव का 125 होता है, और फाइव जो है इसका क्यूब रूट है। अगर एक परफेक्ट क्यूब हो तो हम क्यूब निकाल सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन कोई नंबर ऐसा है जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो उस नंबर का हम एक क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। परफेक्ट क्यूब हो तो हम निकाल देंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन एक परफेक्ट क्यूब ना हो तो उसका हम क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। ये काफ़ी टिपिकल होता है, लेकिन स्क्वायर समझाया था आपने तो वो भी आसान ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।